महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, गांव गरीब किसान मजदूर के हृदय सम्राट भारत के प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सांसद, भूतपूर्व सांसद और आमंत्रित सबों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मुझे ये उत्कृष्ट कैसे समझा गया, न मेरा बाप उत्कृष्ट, न मेरी माँ उत्कृष्ट, न मेरे खानदान में कोई उत्कृष्ट, न मुझे किसी का अनुग्रह, न किसी का अनुकंपा, न किसी का मेरे पीछे नाम, न मेरे पीछे कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उत्कृष्ट चुना गया। मैं उस चुनने वाले को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाई, आपने ये गांव के कीचड़ में से हीरे को कैसे पहचान लिया? अब तक तो कितने पाँव लगे, कितने ठोकर लगे, कितने अपमान सहे, लेकिन जब मैं बैठा करता था तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी कि आपको कभी उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिलेगा, कोशिश करिए। तो मैं कहता था मैं कोशिश क्या करूँगा, क्योंकि वो भी राजनीति में है, बरसों से सक्रिय रही। हम शंकर पार्वती जी के जैसे संवाद करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो काली माई सोचेगी तो कर देगी, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरी कुल देवी है। लेकिन जब सिल्लीगोरी के एक मजदूर मुसलमान भाई को पद्मश्री की पद्मभूषण का सम्मान मिला, तो उस दिन मेरे मन में ये भाव जगा कि हाँ, मैं उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार अवश्य ले लूँगा। ये अंतर मन से बोध हुआ। क्यों? तो मैंने कहा कि भाई, यहाँ दिल्ली से बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी और ये पद्म पुरस्कार देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दृष्टि वहाँ सिल्लीगोरी के एक चाय बगान के एक गरीब निर्धन मुसलमान के को देख लिया, चुन लिया इतनी दूर से, तो मैं तो उनके पास हमेशा रहता हूँ, मुझको कैसे नहीं देखेंगे। कैसे नहीं देखेंगे? लेकिन साहब, मैं धन्य भाग्यशाली हूँ कि आखिर मुझे देख लिया गया। और आज मेरे गांव के लोग टीवी पर देख रहे होंगे, उनकी छाती कितनी फूलती होगी। आपने मुझे सम्मानित नहीं किया है। हिंदुस्तान के करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, उपासित, पीड़ित, प्रताड़ित, वो गरीबनी माँ जो कीचड़ में चलती थी, कभी जीवन में सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन नहीं देखा, ऐसे माँ की गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष्ट सांसद बनाया। ये संसद की, संविधान सभा की देन है साहब। मुझे प्रेरणा मिली थी उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे,
वो बैठे थे हम घर में, आपस में चर्चा कर रहे थे, ये उत्कृष्ट सांसद के लिए आवेदन पर रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा आप भी आवेदन भरवाओ। कृषि समिति के हमारे जो साथी सदस्य लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग आपको वो स्पॉन्सर करेंगे, तो हमने कहा कर दो भाई। लेकिन मुझे हुआ कि मुझे जरूर उत्कृष्ट माना जाएगा, क्योंकि जब एक गरीबनी मजदूरीनी साधारण माँ के कोख से जन्मा हुआ एक गरीब फुटपाथ पर सोने वाला चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो ये उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार कोई उससे बड़ा है? मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? ये जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, प्रेरणा, ये लोकतंत्र की देन है। वैराजनाथ जी बैठे हैं, जब ये अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, तो मैं इनके साथ कार्यक्रम में ही ले जाते थे मुझे घुमाने के लिए। एक बार दुर्घटना हुई, उसमें गाड़ी में आग लग गई, हम दोनों तो जल के मर ही जाते, भगवान को बचाना था इसलिए कि आज मुझको उत्कृष्ट सांसद कैसे पुरस्कार मिलता अगर मर गए होते जल के गाड़ी में। ईश्वर की कृपा थी। मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि मुझे विश्वास है इस संसद में, विश्वास है मुझे संविधान में, और विश्वास है मुझे इस देश की करोड़ों निर्धन निर्बल पिछड़े दलित उपेक्षित उपहासित प्रताड़ित उस गरीब मजदूरों के विश्वास पर, और मुझे विश्वास है उस डॉक्टर लोहिया की वाणी पर जिन्होंने मुझे कहा था हुकुमचंद तुम अटूट निष्ठा के साथ मेरी बात को मान के आगे बढ़ते जाओ, एक न एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में किसी गरीब निर्धन निर्बल माँ के कोख से जन्मा हुआ अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे यहाँ तक लाने में बहुतों का योगदान है साहब, आपको असंभव होगा। मैं तो 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूँ, अब मेरे उम्र के तो स्वयंसेवक मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक बना। और मेरी विडंबना देखे कि मैं संघ का स्वयंसेवक था, रोज दोनों शाम सखा जाता था, और कॉलेज में समाजवादी युवजन सभा में मंच पर से मैं डॉक्टर लोहिया का झंडा लेके चलता था। और न मुझे समाजवादी पूछते थे कि संघ के स्वयंसेवक हो कैसे यहाँ आते हो, और न संघ का स्वयंसेवक कोई पूछता था कि आप समाजवादी पार्टी में जाते हो यहाँ क्यों आते हो, दोनों में कोई नहीं पूछते थे। आज़ादी के साथ मैं काम किया। मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी हैं, और एक कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे, निर्धन निर्बल मजदूर बासी भात खाने वाला नाई का बेटा, वो मेरे साथी और बिहार के नेता थे। उनके साथ साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी जीवन का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। मैं उनकी गरीबी में रहते हुए उन्होंने जो देश को एक प्रकाश दिया था, रोशनी दी थी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने एक जमात खड़ा की थी, उसके लिए मैं उनको उनका मेरे ऊपर असर है। लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि मैं ऑल इन वन कैसे बन गया। मैं स्वयंसेवक भी बन गया, समाजवादी भी बन गया, लोहियावादी भी बन गया, चरण सिंह के साथ भी, कर्पूरी ठाकुर के साथ भी, और दीनदयाल जी का भी गीत गाता हूँ। तो भाई हिंदुस्तानी हूँ मैं, इस देश में सर्वधर्म समभाव है, सर्व समाज समभाव है। दीनदयाल जी कहते थे समरस समाज, डोड़िया कहते थे समता समाज, इसलिए मैंने उसको अपने जीवन में अंगीकार किया है कि सबकी गीत मैं गाता हूँ, भारत की गीत सुनाता हूँ, मैं गांव से रहने वाला हूँ, मैं गांव की गीत सुनाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का गीत सुनाता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्रति अनुग्रह है कि आपने मुझे उत्कृष्ट सांसद बनाया। भाई जब नाम सुनता हूँ उत्कृष्ट, तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया मैं, शायद लगता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था शायद उत्कृष्टता प्रदान किए आपने। मैं 77 से आया, 42 बरस तक
इस संसद के गुंबद के नीचे घूमते रहा, गीत सुनाते रहा। अब तो शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ने वाला हूँ। जीवन के इस अंतिम चरण में 42 बरस तक इस संसद में रहने के बाद अंतिम में आपने उत्कृष्टता का पुरस्कार देकर के जो विदाई समारोह में मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मेरा समाज, मेरे क्षेत्र के मधुबनी के गांव के गरीब किसान सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे साहब, सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हुक्मदेव नारायण यादव।